हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। और ये मई का लास्ट वीक का करंट अफेयर है, जो कि टॉप 50 करंट अफेयर है। ये आज अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि पॉलिटी और एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज भी चल रही है, साथ में एथिक्स भी शुरू हो गया है। तो हम लोग बेसिक्स से लेकर के पूरा एंड तक जितना भी है सब कंप्लीट कर लेंगे, और आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरा कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा कुछ ही महीनों में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे पढ़ते रहिएगा चीज़ों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए, 29 मई, याद रखिएगा, 29 मई को यूएन पीस कीपर्स डे होता है। और इस बार की जो थीम थी वो ये थी, वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। ध्यान रखिएगा, वुमेन को लेकर के इस बार थीम थी और ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने रिलीज की है अपनी रिपोर्ट, वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट। और रिपोर्ट में ये है कि इंडिया का जो क्रूड स्टील रिपोर्ट है इंडिया का, वो डिक्लाइन हो गया है 65% से, इसको ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, अगर कुछ न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड अगर कुछ होगा ना तो वो जरूर पूछा जाएगा। तो सभी एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 ये थी कि इंडिया को अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना था 300 मिलियन टन बाई 2030 को। इसको याद रखिएगा, ये 300 मिलियन टन बाई 2030, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है इंस्टेंट आधार बेस्ड ई केवाईसी। केवाईसी होता है नो योर कस्टमर। तो इन्होंने बजट में भी ये इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे। और अब यह है कि इंस्टेंटली आपका क्या है कि इन्होंने एक सिस्टम बनाया है, इसमें क्या होगा कि आप इंस्टेंटली प्रोवाइड करेंगे पैन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ फिलिंग अप दी एप्लीकेशन फॉर्म। और देखिए, पैन क्या होता है, थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। ये एक 10-डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको इशू करता है, और ये एनेबल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टू लिंक दी ट्रांजेक्शन ऑफ दी पर्सन विद दी डिपार्टमेंट। और जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि TDS हो गया, TCS हो गया, टैक्स पेमेंट हो गई, इनकम रिटर्न हो गया, ये सब चीज़ें इस पे बेस्ड रहती हैं और इसी के थ्रू प्रोसेस होती हैं। फिर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ये हर्बल प्रोजेक्ट, हर्बल रोड प्रोजेक्ट यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और 800 किलोमीटर के स्ट्रेच में रहेगा ये। इसमें क्या है कि रोड के दोनों साइड हर्बल प्लांट्स लगाए जाएंगे जो मेडिसिनल वैल्यू के होते हैं, और उसके बेसिस पे ये प्रोजेक्ट लिया गया है। फिर देखिए, एक और यूएन पीस कीपर डे से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ये तो आपको मैंने पहली न्यूज़ में बता दिया था कि 29 मई को होता है, और इंडियन की मेजर है सुमन गवानी और ब्राज़ीलियन नेवल ऑफिसर है कार्ला मोंटेरो डी कैस्ट्रो अरेजो, ठीक है। इनको प्रेजेंट किया जाएगा यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड। ये सुवन गवानी, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। फिर देखिए, इंडिया और बांग्लादेश ने साइन किया है सेकेंड एडेंडम ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड प्रोटोकॉल। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रिसेंटली इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड प्रोटोकॉल किसके किसके बीच में साइन किया गया है, तो आप लोग को याद रखिएगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये साइन किया गया है। फिर देखिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्सप्लोर दी पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑप्शन एक्सपोर्ट करने के लिए सिल्क कॉटन फेस मास्क के वो फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो अभी रिसेंटली वोकल फॉर लोकल लॉन्च हुआ था खुद प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसके अंडर में है ये, और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर में भी है ये। जनरल इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए, नासा के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या फाइंड किया है, एक एनर्जी हाई एनर्जी पार्टिकल इरप्टिंग फ्रॉम आइस इन अंटार्कटिका, इन्होंने ऑब्जर्व किया है ये। और रिसर्चर्स को ऐसा बिलीव है कि ये जो पार्टिकल हैं ये प्रूफ हैं पैरेलल यूनिवर्स के, ठीक है। अब देखिए, ANITA क्या होता है, अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना, जो ये है, ये हाई एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रिनो है डेट जो डिटेक्ट करता है रेडियो पल्सेस डेट आर बीइंग एमिटेड बाय अंटार्कटिक आइस शीट। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर देखिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, ध्यान रखिएगा नाम, इन्होंने चेयर किया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल मीट।
अब इसके देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल मीट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए ये होता क्या है। देखिए 2008 में इसको रघुराम राजन कमेटी ने इस आइडिया को मूट किया था, और जो काउंसिल है वो सेटअप हुई थी 2010 में, और तब फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी। और इसका फंक्शन क्या है? इसका देखिए फंक्शन है कि फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और यही सब इसके फंक्शन है। फिर देखिए जो स्पियर इंस्ट्रूमेंट है ऑफ वेरी लार्ज टेलीस्कोप, उसने कैप्चर किया है एक नए प्लैनेट का बर्थ, इसका नाम है एवी ओरिगे स्टार सिस्टम। ये स्टार सिस्टम का नाम ध्यान रखिएगा, ये ऐसा पहली बार हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में कि बर्थ ऑफ स्टार सिस्टम को विटनेस किया गया है। ध्यान रखिएगा बर्थ ऑफ स्टार सिस्टम, फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा एवी ओरिगे स्टार सिस्टम है ये। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, ठीक है, एंड एन एआई इंटेलिजेंस पोर्टल, इसको बोल नाम है www.ai.gov.in। ये यूथ के लिए है, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एआई से रिलेटेड। और इसमें आप जब वेबसाइट में जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच। फिर देखिए इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है एग्जिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट डेट इज ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ, और जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार को, ध्यान रखिएगा इन द अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम। देखिए स्टार सिस्टम में रिवॉल्व कर रहा है पूरा ये देखिए, ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार इन अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम प्लैनेट डेट इज ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ, इसको डिस्कवर कंफर्म किया है साइंटिस्ट ने। फिर देखिए एक न्यू फ्रेश वाटर फिश है, इसका नाम है पोनिटस सैंक्टस, ये फाइंड की गई है वेलनकन्नी तमिलनाडु में, ठीक है, ये देखिए फिश की पिक है और ये नाम है इसका पोनिटस सैंक्टस वेलनकन्नी तमिलनाडु, ठीक है, और ये स्मॉल वाटर बॉडी में ये फिश पाई जाती है। फिर देखिए कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक लॉन्च करेगी स्टेट हेल्थ रजिस्टर को, ठीक है, स्टेट हेल्थ रजिस्टर किस लिए? टू कलेक्ट डेटा ऑफ ऑल इट्स सिटीजन, और रजिस्टर करेगी, ठीक है, रजिस्टर जो है ये पहला इस तरह का कंट्री में और कोई नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट है इस तरीके का रजिस्टर। अब देखिए रजिस्टर किस लिए बनाया गया है? रजिस्टर बनाया गया है क्रिएट करने के लिए इन द फ्यूचर विद 50% पार्टनरशिप फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल, द स्टेट गवर्नमेंट इज टू अंडरटेक अ सर्वे इंक्लूडिंग एवरी पर्सन ऑफ द स्टेट, और करंट पॉपुलेशन है 6.5 करोड़। ध्यान रखिएगा स्टेट हेल्थ रजिस्टर जो है वो लॉन्च किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। फिर देखिए पीएम किसान ये स्कीम रिसेंटली न्यूज में थी, तो आप पीएम किसान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। 2019 में लॉन्च हुई थी और जो एस्टिमेट कॉस्ट था स्कीम का वो था 75,000 करोड़। और इस स्कीम में क्या था कि 6,000 रुपीज जो थे वो डिपॉजिट किए जा रहे थे अकाउंट में फार्मर्स के 3 इंस्टॉलमेंट में, और जो स्कीम थी उसने टारगेट किया था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कब लॉन्च हुई थी और किसके लिए थी, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए थी। तो इसका जो मेन एम था वो था कि जो मनी लेंडर्स के ट्रैप में आ जाते हैं फार्मर्स, उसको अवॉइड करना। फिर देखिए वर्ल्ड वेब डे ये होता है 30 मई को, ध्यान रखिएगा। देखिए एनपीसीआई भी न्यूज में था, और एनपीसीआई ने क्या किया है, पहले तो आप लोग एनपीसीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसने एक चैटबॉट लॉन्च किया है, इसका नाम है पाई, ठीक है। तो इसका एम है क्या कहते हैं, इंक्रीज करना फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन जान लीजिए, 2008 में फाउंड किया गया था आरबीआई के द्वारा, ठीक है, और ये आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस जो है ये सबसे बिगेस्ट सक्सेस है एनपीसीआई की। तो जुलाई 2019 में जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस थी, ठीक है, ट्रांजेक्शन जितने भी हुए थे उसने 200 मिलियन क्रॉस किया है, याद रखिएगा इसको। फिर देखिए जेके रॉलिंग जो राइटर हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिलीज किया है फर्स्ट 2 चैप्टर अपनी न्यू चिल्ड्रन बुक का, इसका नाम है इकाबॉग, इसका नाम ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं।
फिर देखिए 28 मई को होता है वर्ल्ड हंगर डे। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे होता है, और ये वर्ल्ड हंगर डे इनिशिएटिव है हंगर प्रोजेक्ट का। देखिए इंडिया में बात कर लेते हैं, 2019-20 में 281.95 मिलियन इतना टन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ था। इसको याद रखिएगा, ये पूछ देता है कि इस ईयर में कितना फूड ग्रेन प्रोडक्शन था, तो 281.95 ऑलमोस्ट 282 मिलियन था। और तब भी देखिए 69% जो डेथ हुई चिल्ड्रन की वो अंडर 5 हुई इंडिया में मॉल न्यूट्रिशन की वजह से, इस रिपोर्ट में ये पता चला, स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। और ये ध्यान रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 102, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब करंट सिनेरियो की बात करें इंडिया में, देखिए जो वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इंडिया का वो 0.44 है। इसका मतलब ये होता है, 0.44 का मतलब होता है कि इंडिया जो है वो केवल 44, इंडिया में जो चिल्ड्रन है वो केवल 44% ग्रो करते हैं उनके अंदर जितना पोटेंशियल होता है, ठीक है, अपने पोटेंशियल के केवल 44% ग्रो करते हैं। फिर देखिए ये रशिया का एक प्रोग्राम है, परस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में देखिए रशिया ने कंस्ट्रक्ट किया है अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर, और इससे क्या होगा, जो रशियन वेपन और बॉम्बर होंगे ये इनविजिबल रहेंगे, एनिमीज को ये दिखेंगे नहीं, ठीक है। ये जैसे कुछ भी अगर रशिया वेपन्स वगैरह दूसरी कंट्रीज पे फायर करेगा तो वो इनविजिबल रहेंगे इस टेक्नोलॉजी से। फिर देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अटेंड की न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंस से। और ये देखिएगा प्रेसिडेंट कौन थे जो इलेक्ट किए गए थे, इनका नाम था मैक्रोस त्योजो, ये ब्राजील के थे, नाम याद रखिएगा मैक्रोस त्योजो, ठीक है। अब देखिए न्यू डेवलप बैंक बैंक जो है वो 2014 में बना था, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। देखिए ऐसे ही इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली अब क्वेश्चन पूछना बहुत कम हो गया है तो उससे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। और ये याद रखिए कि ये बनाया गया था ब्रिक्स नेशंस के द्वारा। फिर देखिए पहली बार ऐसा हुआ है डिकेड में जो नेचुरलिस्ट है उन्होंने फिल्म किया एक सहारा चीता को, ठीक है, कहाँ पे, हॉगर माउंटेन नेशनल पार्क में, और ये कहाँ है, अल्जीरिया में, याद रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है हॉगर माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये था अल्जीरिया में, ठीक है। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे एंड MSME नितिन गडकरी ने इनोग्रेट किया है ब्रेक थ्रू इवेंट ऑफ चंबा टनल चारधाम परियोजना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा इवेंट ऑफ चंबा टनल अंदर चार धाम परियोजना। फिर देखिए एक 3 जज बेंच बनी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने सुओ मोटो, सुओ मोटो मतलब होता है अपने आप ले लेना, माइग्रेंट वर्कर इश्यू को अपने आप उन्होंने सुओ मोटो लिया और नोट किया कि बहुत सारी इनएडिक्वेसीज और लैप्सेज हैं। तो ये जो 3 जज की बेंच थी इसको ध्यान रखिए किसने हेड किया था, इसको हेड किया था अशोक भूषण ने। अशोक भूषण ने हेड किया था, ठीक है, और ऑर्डर किया था कि इन लोग का सही से ध्यान रखा जाए, ट्रांसपोर्ट फूड और शेल्टर सब फ्री होना चाहिए जो स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर हैं। और कोर्ट ने ये सब कहा सॉलिसिटर जनरल से, और इस समय सॉलिसिटर जनरल कौन, ध्यान रखिएगा तुषार मेहता, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल। फिर देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवे है उसने नोटिफाई किया है कि एमिशन नॉर्म फॉर L7 कैटेगरी, ठीक है, देखिए L7 कैटेगरी वो व्हीकल्स होती हैं जिसमें 4 व्हील्स होते हैं और उनका जो मास होता है वो मोर देन 400 kg होता है, तो वो L7 कैटेगरी में रखे गए हैं, तो ये बोला गया है इनको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। विद दिस नोटिफिकेशन BS6 प्रोसेस LMN कैटेगरी व्हीकल्स इन द कंट्री गेट्स कंप्लीटेड। देखिए क्वाड्री साइकिल क्या होता है, क्वाड्री साइकिल वो व्हीकल होती हैं डेट इज ऑफ द साइज ऑफ 3 व्हीलर, जो 3 व्हीलर के साइज की होती हैं लेकिन 4 व्हील्स पे रन करते हैं। और जो क्वाड्री साइकिल होता है वो इनको नॉन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए यूज नहीं करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, ये होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा L7 कैटेगरी को फॉर BS6 के लिए। फिर देखिए US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि वो ओपन स्काई ट्रीटी से विड्रॉ कर रहे हैं, अब वो इसके मेंबर नहीं रहेंगे। तो देखिए ओपन स्काई ट्रीटी क्या थी, जो ट्रीटी थी ओपन स्काई वो 2002 में साइन की गई थी, और ट्रीटी जो है वो एस्टेब्लिश करती है
एरियल सर्विलांस सिस्टम फॉर इट्स पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। एरियल सर्विलांस सिस्टम जो है वो रहता है दूसरी कंट्रीज के ऊपर, और वो लोग एक दूसरे को अपना देखते रहते हैं चीज़ें कैसे हो रही हैं, और कुछ अगर जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो नहीं होनी चाहिए उस पर भी नज़र रखते हैं। तो इससे बाहर आने के लिए यूएस ने अनाउंस कर दिया है। फिर देखिए, जो लीडर ऑफ द ग्रुप हैं 7 वेल्दीएस्ट कंट्री के वर्ल्ड में, उन्होंने सेटअप किया है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए, G7 ग्रुप जो है एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कंट्रीज हैं इसमें फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान, यूके एंड यूएस। देखिए, आज ही बोला है ट्रंप ने कि अब इसको G7 से G11 कर देना चाहिए, और वो चाहता है कि इंडिया भी इसका पार्टनर बने, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो देखेंगे कि ऐसा किस लिए ट्रंप ने बोला है। अब ये जो G7 कंट्रीज हैं, ये ऑलमोस्ट कवर दी 46% ऑफ दी ग्लोबल GDP। ये भी देखिए इम्पोर्टेंट कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रोजगार सेतु योजना माइग्रेंट वर्कर की हेल्प करने के लिए। अब ये स्कीम है, ये प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर्स। फिर देखिए, फाउंडेशन मिसाइल पार्क एक बनाया गया है, ठीक है। इसका नाम है अग्निप्राष्ठा, इसको ध्यान रखिएगा, वाज लेड एट आईएनएस कलिंगा। ये देखिए पिक है, जो मिसाइल पार्क का एम है प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आईएनएस कलिंग। अब देखिए, थोड़ा सा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 है वो डिफाइन करता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी डेफिनेशन जो है 2007 में देखने को मिली। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस देखिए क्या इंक्लूड करते हैं इसमें, ब्रशवुड होता है, बैम्बू होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, स्केन्स होता है, हनी, कैकून, टशेर, ठीक है, ये सिल्क रहसी सिल्क होता है, ट्यूबर, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये उनके लिए होती हैं जो वहाँ पर ट्राइब्स वगैरह रह होते हैं। ऑलमोस्ट 100 मिलियन लोग आज भी फॉरेस्ट में रह रहे हैं, और उनको वो लोग इनसे ही इनकी अर्निंग होती है इनको लेकर के, तो इनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में रखा गया है। फिर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कैरियर स्किल ट्रेनिंग लॉन्च किया के लिए नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद TCS। तो जो एम है नेशनल कैरियर सर्विस का इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द पीपल सर्चिंग फॉर जॉब एंड दोज डेट हायर देम। तो इन दोनों के लिए है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्लस TCS। और देखिए, 31 मई को होता है वर्ल्ड टोबैको डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार वर्ल्ड टोबैको डे की थीम थी प्रोटेक्टिंग यूथ, इसको भी याद रखिएगा, वर्ल्ड टोबैको डे की थीम थी प्रोटेक्टिंग यूथ। देखिए, जल जीवन मिशन भी काफ़ी न्यूज़ में आता रहता है कुछ ना कुछ, इसको ध्यान रखिएगा कि इसका एम है क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना हाउस होल्ड्स को बाई 2024, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए, 1961 में ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था, और उससे एनेक्स किया गया था दमन एंड दीव एंड गोवा, ठीक है। फिर देखिए, केरला गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसका नाम है KFON, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट इसका नाम है, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाई दिसंबर 2020। वेरी इंपॉर्टेंट, KFON याद रखिएगा। फिर देखिए, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे होता है 29 मई को, और जो ये जो दिन है ये फर्स्ट समिट जो थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में की थी 1953 में, सर एडमंड हिलेरी फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नॉर्गे शेपरा फ्रॉम नेपाल, ये फर्स्ट ह्यूमन थे दोनों ने इस अचीव इसको फीट को अचीव किया था। तो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ये होता है 29 मई को, ठीक है। तो ये करंट अफेयर पूरे मई का कंप्लीट हो गया, जितना भी इम्पोर्टेंट था, और जो साइड में भी रहते हैं वो भी मैंने कवर कर दिए हैं, तो आप लोग एग्जाम में इसको जरूर देख के जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए पॉलिटी, एंशियंट हिस्ट्री और एथिक्स की भी सीरीज चल रही है पैरेलल, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा जा करके, डेली अपडेट होता रहता है उसमें कुछ ना कुछ। बाकी अब नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर भी आपको वीकली मिलता रहेगा, और आज के डिस्कशन में फिर हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक रख के करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।